friends, how are you? Welcome in my YouTube channel and today's video about paint जो मशीन का जो ब्लोर होता है उसमें हम अटैच करेंगे मेटल का स्प्रे गन। तो ये एक जुगाड़ है और आइए सीखें वीडियो को देखकर कि ये कैसे करें, क्योंकि प्लास्टिक की जो गन्स मिलती हैं वो ज़्यादातर क्रैक हो जाती हैं, घस जाती हैं और उनका स्पेयर भी ऑनलाइन नहीं मिलता। तो इस करके हम अगर मेटल की गन ख़रीद लेंगे 700-800 की आ जाएगी, 600 की भी आ जा सकती है, चाइनीज़ लें चाहे कंपनी की लें, फिर उसमें ये होगा कि वो कभी ख़राब नहीं होगी और इजीली आप उसको अपने कंप्रेसर से उस ब्लोअर से अटैच करके अपना काम कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं वीडियो में कि कैसे ये काम करता है और कैसे इसको बनाएं। सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर मोर। नमस्कार। सबसे पहले हम इसके अकॉर्डिंग इसमें 1.5 इंच का पाइप का टुकड़ा लगेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 1.5 इंच का, और उसके आगे मैंने 1/2 इंच का छोटा सा पाइप जो इसमें आसानी से घुस जाएगा, लेकिन ये घुसेगा नहीं तो इसको हम यहाँ से ट्रिम करके इसमें घुसाएंगे। बन गया और इतना टाइट होगा कि इसमें से एयर लीक नहीं होगी। और उसके आगे हम लगाएंगे 1/2 इंच का फिर से निप्पल। ये जो जुगाड़ है ये हम लगा देंगे इसके, अगर इसमें भी ये आसानी से नहीं आएगा तो इसको हम यहाँ से रगड़ कर ट्रिम कर लेंगे, पतला कर लेंगे, जिससे कि ये आसानी से इसमें आ जाए। अब इसके बाद हमारा गन जो है इसका ये नोज़ल है, कहीं में नहीं होता है, और ऐसा नहीं होगा तो आपको यहाँ पर अब गन तो मिलेगी कि तो उसके साथ यहाँ अटैचमेंट मिल ही जाएगी। उसके बाद क्या करना है कि आप 1/2 इंच की पाइप का इतना सा पीस लेंगे और साथ में ये टाइट करने के लिए है, यहाँ से प्रेशर लीक नहीं होगा। तो ये हमने इसमें डाल दिया और सेम इसका इतना सा पीस यहाँ से इतना सा कट कर लेंगे कि जो हमारे इसमें आसानी से डल जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हो गया। हो गया, अब इसका होल हो गया है इसकी मैचिंग में। अब हम इसको उसमें आसानी से डाल सकते हैं, थोड़ा सा डाला और फिर यहाँ से हम इसको टाइट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस मशीन को बनाने का एक फ़ायदा ये है कि इसमें पेंट की वेस्टेज नहीं होगी। अगर प्रेशर ब्लोअर ज़्यादा दे रहा है तो पीछे से जब ज़्यादा प्रेशर आएगा एयर का तो वो पेंट को भी बिखेर के रख देती है, तो हवा में उड़ जाता है पेंट या ऑयल बॉन्ड या कुछ भी जो आप इसमें यूज़ करेंगे। तो इसमें प्रेशर थोड़ा कम रहेगा तो उसका फ़ायदा ये है कि पेंट वेस्टेज नहीं होगा, टोटल का टोटल पेंट आपकी दीवार में लगेगा या उस सरफेस में लगेगा जहाँ आप लगाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें ग्रेविटी फीडर लगा हुआ है जो ऊपर से अपने आप पेंट को स्लोली स्लोली नीचे करेगा। आएंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। ये जो हमने इस मेन होस के आगे थोड़ा सा जुगाड़ किया है, इसमें से आसानी से हम ये 1/2 इंच का पाइप इस निप्पल में फंसा देंगे। इसमें हमको टाइट करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये ऑलरेडी ऐसा ही है। तो अब देखिए यहाँ से ये जुगाड़ हमारा तैयार हो गया और इसमें लग के आगे मेटल गन। तो इसका ये अटैचमेंट है जो एक खुद का किया हुआ जुगाड़ है,
और इसको हमने पेंट जम स्प्रेयर ब्लोअर से अटैच